हेलो गाइस, वेलकम टू आदर्शीज ब्लॉग। और आज है कौन सा डे है? आज है सैटरडे और आज है चित्रगुप्त पूजा भी और भाई दूज भी। तो यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो गई है, तो आइए दिखाते हैं, सबसे मिलवाते हैं। ये चित्रगुप्त पूजा की तैयारी हो रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो कर दीजिए। हेलो हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे पंचामृत बन रहा है अभी। पंचामृत क्या क्या डाला है आपने इसमें? इसमें डलाया है, जीजा जी डाले हैं तो बताएंगे। इसमें मैंने डाला है दूध, दही, दो केले डाले और थोड़ा सा मधु। अच्छा, और पता नहीं क्या डालता है। गुड़ डाला है। क्या डलाया? अच्छा, पंचमेवा डलाता है। पंचमेवा डलेगा इसमें। अच्छा सही, तो प्रिपरेशन जारी है। मेरी भी तैयारी हो चुकी है। मैंने गोबर से वो बनता है आज के दिन भाई दूज के लिए, उसमें चना कूटा जाता है। तो मतलब कहते कि आज के दिन मतलब इतना भी थोड़ा बहुत डांटना वोटना चाहिए भाई लोग को, तो बहुत प्योर सोल नहीं होना चाहिए कि कभी डांट वांट पड़ा ही नहीं। तो आज कथा है उस पर बेस्ड, तो मैंने बना लिया है। तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ भाई दूज का, तो फिर मिलते हैं। तो ये है चित्रगुप्त महाराज। हम लोगों की उत्पत्ति चित्रगुप्त महाराज से ही हुई है, तो इसलिए हम लोग देवता की पूजा करते हैं हर साल। और ये पूजा हमेशा दिवाली के अगले दिन होती है। छोटी मतलब दिवाली के बाद होता है गोवर्धन पूजा, फिर गोवर्धन पूजा के नेक्स्ट डे ही होता है ये चित्रगुप्त पूजा। भाई दूज एक ही दिन बनाते हैं हम लोग। आज के दिन बुक पेन मतलब कलम और दवात की भी पूजा होती है। तो हम लोग आज अपना जो भी एक दो बुक्स जो होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं तो वो भी रखते हैं। तो मैं अपने डायरीज रख रही हूँ जिसमें मेरे मेन काम होते हैं। और ये है बेबी का स्टोरी बुक जो कि मैं पढ़ती हूँ नाइट टाइम बेड टाइम स्टोरीज, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। ये दो बुक्स है, इसमें एक 101 पंचतंत्र स्टोरीज है और जो दूसरा है वो सुधा मूर्ति का ग्रैंड माज स्टोरीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मतलब सुधा मूर्ति के जनरली मोस्टली सारे बुक्स ही बहुत स्टोरी बुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो अमेजोन पे, और भी काफ़ी सारे बेड टाइम स्टोरीज अवेलेबल है फॉर किड्स। तो इनको मैं चित्रगुप्त भगवान के पास चढ़ा रही हूँ। मेरी तैयारी हो गई है भाई दूज का पूजा के लिए। और इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स रखते हैं और मिठाई रखते हैं और फल रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है चना। इसी को कूटा जाता है, तो हम लोग एक्चुअली लकड़ी से कूटते हैं, पर मेरे पास लकड़ी नहीं रहता है तो हम बैट से कूटते हैं। जो मेरे पति देव का बैट है उसी से कूटते हैं, लगा के रोड़ी चंदन और रोड़ी वगैरह। और अक्षत रहता है, दिया जलता है, एक दिया कूटने के लिए भी होता है, रोड़ी सिंदूर अक्षत। और ये कॉटन है, इससे जैसे हम लोग राखी बांधते हैं ना, तो उसी तरह इससे बनता है हाथ में बांधने के लिए जो भाई लोग के लिए। और ये जरूरी नहीं है कि आज गोधन है तो आज ही के दिन खाना होता है, जैसे और भी भाई है तो उनको आप भेज सकते हैं चना कूट के। इसीलिए ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है ताकि बाद में खराब नहीं हो, तो चना कूट के आप तो भेज सकते हैं। तो आज के दिन हम लोग भगवान चित्रगुप्त को अपना सारा हिसाब देते हैं कि कितना साल में कितना साल में कितना खर्चा हुआ और कितना आमदनी है, कितना जरूरत। ये सारा हिसाब इस पेपर में लिख करके बाबा को दिया जाता है। आज चित्रगुप्त बाबा का पूजन है और हम लोग सब चित्रगुप्त बाबा के वंशज हैं। और आज के दिन हम लोग साल भर का हिसाब किताब आय और व्यय का लेखा जोखा बाबा के सामने प्रस्तुत करते हैं, और अगर कुछ नुकसान है तो उसकी पूर्ति की भी कामना करते हैं। तो इसी पेपर में हम लोग घर के सारे लोग अपना अपना हिसाब लिख करके बाबा को देंगे, और ये पेपर को ऊपर स्वस्तिक बना दिया गया। पांच देवता का भी नाम लिखाएगा। यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप भी रख दिया है, ये लैपटॉप ही मेरा बुक और पेन है, तो लैपटॉप रख दिया है। आदर्शिता ने अपने बुक्स रख दिए हैं, और ये भगवान चित्रगुप्त महाराज का फोटो है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये फोटो मिलता ही है, तो हम लोग लैपटॉप भी खोल के उनकी पूजा कर लेंगे आज। प्रसाद जो है बाबा को अर्पण किया जा रहा है, फल फ्रूट और मिठाई है कुछ थाली में। और ये पूजा करते हुए
पापा का भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ इसलिए वो अभी नीचे नहीं बैठ रहे हैं। हो गया ना पांच तो चलो वाले जय चित्रगुप्त महाराज बाकी देखना पड़ेगा बैठिए जय आइए मम्मी से भी मिल लीजिए हाय मस्ती कौन वाला है पेट फाड़ा और ये सोमरस का पान करेंगे अभी हम लोग तो सबसे पहले साकेत कर रहे हैं उसके बाद बाकी लोग हम लोग करेंगे आज का महाप्रसाद ये आज का महाप्रसाद है एकदम खुलेआम पान करेंगे और ये पंचामृत का पान करेंगे उसके बाद हम लोग आज भाई दूज भी है तो आदर्शिता अपने भाई साकेत को बूट खिला रही है और ये बूट है मतलब बूट चना को कहते हैं इसको निकालना होता है इसको चबा के नहीं खाया सकता और इसको डायरेक्ट निकालना पड़ता है और भी जो प्लेट में रखा हुआ है तो आ रही है एक रुपया वो कर दे ये बस दिखाने वाला है साकेत आज पूजा में कहानी में कहा गया था कि बहन को आज बढ़ चढ़ कर दे बाकी हम गूगल पे कर रहे हैं खुश रहो खूब तरक्की करो खूब आगे बढ़ो अच्छा से शादी हो जाए तुम्हारा हमको तरह तरह का गिफ्ट दो हाँ गिफ्ट भी दो दे दिए हैं ठीक तुम्हारा मेरा हम ये वाला नहीं खा सकता हाँ तो दूसरा वाला लेके आती ना खा लेंगे खाऊंगा